शान तेरी न कम होने देंगे वतन, नाम ले लेके तेरा जिएंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, हर दिन का तेरी जमीन का चूमता है गगन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। हेलो गाइस, तो यहाँ बहुत दूर से आया है झंडा फहराने हम लोग, ये ब्राइट कैरियर जीनियस इंस्टीट्यूट में। जीनियस इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ जाके हम अभी दिखाएंगे झंडा फहराएंगे आए हुए हैं, और जो है मतलब किस तरह फहराया जाता है, तरह तरह के विभिन्न प्रकार के, तो ये हम आप सबको दिखाने वाले हैं, और बाकी जगह का तो हम शूट कर ही लिए हैं और इनका भी शूट कर लेते हैं। और ये शर्मा जी भी आए, अमृत महोत्सव मना रहे हैं गाइस, और यहाँ शर्मा जी भी आए हैं जो कि कुछ बोल ही नहीं रहा है, और नकुल भाई आए हैं। हाय। और ये आप अपना नाम बताइए, आपका नाम थोड़ा मिस माइंड हो जाता है। मिस्टर ए के केसरी। वाह, ए के केसरी मिस्टर बहुत अच्छा नाम है, नाइस नेम। नमस्कार, मैं हूँ राहुल कुमार, और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जैसी भाई राग में, और सभी देशवासियों को जय हिंद जय भारत कहना चाहेंगे। और आज के दिन में 15 में काफ़ी खुशहाल का माहौल है, क्योंकि उस दिन जो है आज़ादी हुआ था हमारे देश में, जो कि 1947 में हुआ था, और उसी के खुशी के माहौल पे जो है हम लोग आज़ादी का दिवस मनाते हैं, और ये काफ़ी लोग भी मनाते हैं, हमारे जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं वो सब मनाया जाता है। तो यहाँ जितने भी स्टूडेंट बड़े बुजुर्ग सभी जो है हमारे इसमें मनाया जाता है, और काफ़ी अच्छे से, और देखिए कि यहाँ स्टूडेंट का भीड़ जो है इतना लाजवाब है कि आप लोग देख सकते हैं, देखिए सभी स्टूडेंट आए हुए हैं। और ये जो है ब्राइट करियर कोचिंग सेंटर जो है खुला आजमगढ़ में है, और जिसको भी अपना भविष्य मतलब स्टूडेंट को हम लगभग कहना चाहेंगे कि जिनको भी अपना भविष्य बनाना है, तो आप लोग संजीव सर से आके एक बार ज़रूर मिलिए, और उनका वहाँ जाके पढ़ाई कीजिए, और देखिए कि पढ़ाई करके कितना अच्छा लग रहा है, कितना मतलब जो है भविष्य का गर्व महसूस हो रहा है, इस तरह आप लोग जो है बता सकते हैं, और ज्ञान भी ले सकते हैं बहुत सारा ज्ञान, जैसे कि 10 है 12 है, और भी कई सारी पढ़ाइयाँ हैं आप लोग यहाँ आके कर सकते हैं। सभी जो है बाकी इधर भी है स्टूडेंट, वहाँ ये गाल में तिरंगा बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो ये मतलब लगाना हुआ बताओ, हाथ से लगाए दिया। अच्छा अच्छा, मतलब वो है देश के लिए जो है सच्चाई प्रेम और प्रेम प्रति बनाए रखे हैं, है ना, और ये जरूरी भी है ना। अमर रहे। और भी बाकी स्टूडेंट से हम कुछ जानकारी ले लेते हैं, कोई अगर कुछ बताएगा देश के बारे में तो मतलब ये है, तुम बताओ जो जलदी 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 जल
यह हम लोग का 75वां 15 अगस्त है, यानी कि आजादी मिलने का हम लोगों को 75 साल हो गया है ना। सबसे पहले आजादी की लड़ाई 1857 ईस्वी में लड़ी गई थी, है ना। कौन लड़ा था? रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और सब बहुत सब स्वतंत्रता सेनानी जो थे सबसे पहले आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे ना। और 90 सालों की संघर्ष के बाद, कठिन संघर्ष के बाद हम लोगों को स्वतंत्रता मिली, है ना। हम लोग एक साल या एक दिन भी किसी के गुलामी की जंजीर में नहीं रह सकते हैं। सोचो 90 सालों तक संघर्ष झेलना कितनी बड़ी बात होगी। जय हिंद साथियों, जय हिंद दोस्तों और जय हिंद बहनों। तिरंगा ले रहा है, बहुत मस्त लग रहा है। अभी जो हम आए हुए हैं आजम नगर जिला कटिहार के ब्लॉक में, अभी आए हैं आजम नगर ब्लॉक में, और यह सब देखे बच्चे गाल में तिरंगा कितना अच्छा लहर रहा है और कितना मजा आ रहा है देखने में। और इनका भी गाल में स्टिकर है, देख सकते हैं। तो अभी जो आए हैं यहाँ झंडा फहराने, अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ है लेकिन कुछ देर में हो जाएगा। इसका तो समय था पता नहीं है अभी, लेकिन हो जाएगा कुछ देर में, ऐसे बोला था कि 4:30 बजे तक। ठीक है, और देखिए वहाँ कितना अच्छा, एकदम खूबसूरती को लुभा रही है और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए सजावट कितना अच्छा से किया गया है, देख सकते हैं। और बाकी सभी बच्चे सब आए हुए हैं, और ये मुन्ना भाई देखिए क्या कर रहा है, इससे जब पूछते हैं एकदम। अच्छा, ये सिनेमेटिक शॉट में लग गया, तो हम भी कुछ सिनेमेटिक शॉट ले लेते हैं और आप सबके बीच जो है पेश करते हैं। कितना मस्त दिख रहा है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, मुझे जाती है कि घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, तुम बिन इसका सपना और यहाँ सभी कोई आए हुए हैं, बड़े छोटे स्टूडेंट बाकी नेता वो बहुत कोई आए हुए हैं इस तरीके का। और देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा भारी संख्या में आए हुए हैं। और हम दिखा अभी जा रहे हैं मिठाई के लिए, झंडा तो फहराया हो गया, मिठाई वगैरह जो भी मिलेगा तो वो खा के फिर अपना निकलेंगे और भी कहीं फिराना है। हो गया, हाँ देखिए ब्लॉगिंग कर रहे हैं। आज के दिन में जलेबी खा के तो मजा ही आ जाएगा भाई। हाँ वो तो आ ही रहा है, देख कितना मस्त है ना।
जा रहे हैं ये भाई साहब और ये बच्चे सब भी झंडा फहराने जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा जी कर रहे हैं, देख सकते हैं। आए देखे ये भी एकदम झंडा फहराने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं अभी आप लोग? लोग और एक सहेली आप लोगों का कमी रह गया, वो नहीं दिख रहा है। मतलब उसको देशभक्ति से प्यार नहीं है ना, देशद्रोही कहलाएगा है ना, कुछ भी मतलब यूनिफॉर्म पहने। अच्छा ये बताइए कि आर्मी का ड्रेस पहन के आपको कैसा फील महसूस हो रहा है? मस्त फील हो रहा है। तो आर्मी का फैन है क्या आप? हाँ बहुत ज़्यादा ना। इधर 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 भागिए मत, भागिए मत, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कोई मीडिया वाला नहीं है, हम सामान लाने जा रहे हैं। अच्छा सामान लाने जा रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा लगा ये ड्रेस पहन के आप, मतलब आर्मी का जुनून मतलब भरा हुआ है आप लोगों के अंदर है ना। हाँ। तो बड़े होके आर्मी बनना चाहेंगे? हाँ। देश का सेवा करना चाहेंगे? हाँ। वाह रे वाह, एकदम बहादुर है, एकदम एक से एक बहादुर है हमारे बिहार में। यहाँ बच्चे सब आए हुए हैं और छोटे छोटे बच्चे और कितने मासूम से बच्चे हैं और देखिए कितना अच्छा एकदम दिख रहा है, सब एक यूनिफॉर्म में आए हुए हैं और सब झंडा फहराने के लिए मतलब राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए आए हुए हैं और देख सकते हैं। और ये देखिए आर्मी का फैन है, कितना मस्त दिख रहा है आर्मी का। क्या बड़े होके फौजी बनोगे? नहीं बोला कि शर्मा मत। और भी यहाँ बाकी सब टीचर भी आए हुए हैं तो उनसे भी मिलाएंगे जरूर। और कुछ यहाँ देखिए कितने मासूम से छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं झंडा फहराने के लिए। राजेश सर बताना चाहेंगे कि यहाँ 15 अगस्त जो इस बार मनाया जा रहा है और ये स्कूल का नाम क्या है थोड़ा बता दीजिएगा जो व्यूअर्स है। विद्यालय का नाम है लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल। जी जी जी। और इनके संस्थापक है मिस्टर संदीप कुमार जी। जी जी जी। और ये स्कूल जो है से लेकर सप्तम तक की पढ़ाई होती है। जी जी। क्लास नर्सरी टू क्लास 7 तक। और सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, बच्चों के लिए सारे व्यवस्था हैं और व्यवस्था की गई है, प्रैक्टिकल वे में सारी पढ़ाई होती है। और यहाँ पर बहुत जल्द हम लोग इस सेशन से जो है आवासीय व्यवस्था की भी शुरू करने जा रहे हैं। अभी जो पढ़ाई की व्यवस्था है उसमें सबके अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। जी। और इसमें सबके परफॉर्मेंस भी अच्छे हैं, सारे टीचर्स सारे मैम के भी परफॉर्मेंस अच्छे हैं। स्कूल को हम लोग लगातार गतिशील बनाए हुए हैं, लगातार जो है थोड़े थोड़े नामांकन भी हो रहे हैं और स्कूल को आगे बढ़ाने का हम लोग का कृत संकल्प है। जहाँ तक हमारा प्रयास है संदीप कुमार जी और हमारा, हम लोग सब मिलकर स्कूल को एक नई ऊंचाई तक लेके जाएंगे और समाज में कुछ नया विकास करेंगे, बच्चों को नया मार्गदर्शन देंगे। जय हिंद जय हिंद।